drawing class. Make a stationary number put the candle. What is stationary number? The main argument which is called the candle. So, P upon Q. The Q upon A is again negative. Q is a particular thing. What is the difference between fraction and fraction of the P upon Q upon A is the same? Or our stationary number A is P upon Q upon A. Means Q जो है वो आपका negative नहीं होना चाहिए, जबकि आपका rational number में ऐसा है कि means 2 upon -3 है, नहीं होना चाहिए, वो आपका natural number होगा, तभी आपको बताएगा कि वो fraction है। I hope आपको समझ में आ गई मेरी बात कि rational number fraction के क्या मतलब होता है। तो चलिए इस सारे solve first question is fill in the blanks. Bracket -18/11. इसे आपको सॉल्व करना है. आप देखिए यहाँ पे लिखा है -14/16 और आगे लिखा है = ब्रैकेट में यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है ओनली 9 जो कि 8 भी होना चाहिए. तो यहाँ पे 9 है तो सोचिए 9 कैसे होगा. 9 7 = 63 या फिर यहाँ पे 7 से 20 तो ही हुआ और यहाँ पे 7 से 20 दोनों चीजें 6 से 7 से 20 करना पड़ेगा. तो अगर 14 को 7 से 20 करेंगे कितना आएगा 2 9 और किससे मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले जो टर्म है डिनोमिनेटर 3 है आपका 18 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन में है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करना है कि कोई इक्विवेलेंट है या नहीं. तो सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं. -9/11 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू कॉमा 81/-99. आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं. इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर हम इसे सॉल्व करें और इसे सॉल्व करें तो दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल आना चाहिए. तो पहले सॉल्व ये ऑलरेडी इजीएस्ट फॉर्म में ये 9 और 11 इसे सॉल्व करते हैं. ये है 81/-99 इसे कट करते हैं 3 से. 3 2 6 -12/15 (-36/-60). Now you have to check these numbers are equivalent or not. So सबसे पहले first term को solve करते हैं. -12/15 3 4 = 15 3 5 = 15 3 4 = 12 3 5 = 15 -4 = 5
Now let me even solve this term. 46 upon minus 16. 3 ones are 3, 3 twos are 6. 3 twos are 6, and 0. Now factor 2. 2 6 are 12, 2 10 are 19. 2 3 are 6, 2 5 are 10. ये नंबर आया 3 अपॉन माइनस 5. यहाँ आप देख सकते हैं क्या आया है 3 अपॉन माइनस 5 और ये आया है माइनस 4 अपॉन 5. That means ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है. So you will write no. I hope आपको मेरी बात समझ में आ रही है. इसमें सिर्फ आपको जो भी नंबर्स दिए हैं उसे कट करके इजीएस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो आप दोनों को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे लास्ट में आप चेक दैट दीस नंबर्स आर इक्वल और नॉट. लास्ट में आप चेक करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं वो इक्वल है या नहीं इक्वल है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रूव दैट, सॉरी अभी इसमें एक क्वेश्चन और बच गए. क्वेश्चन नंबर सी, सी चेक करते हैं. माइनस फाइव अपॉन इलेवन कॉमा माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस 33. तो यहाँ पे आप बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं नो, बिकॉज यहाँ पे माइनस है और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये 15 अपॉन 33 है और ये माइनस 5 अपॉन 11 है. अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं और ये आ भी जाता है इसके ऊपर, तो ये माइनस का है और ये पॉजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंट हो भी नहीं सकता. आप इसे सॉल्व नहीं करते तो 35 का 15, 31 का 3, 31 का 3, तो ये माइनस 5 अपॉन 11 आया और ये 5 अपॉन 11. आप देख सकते हैं कि नंबर्स के डिवाइड को ये क्लियर है 5 अपॉन 11, बट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर नॉट इक्वल. सो नो, इट इज नॉट